फ्रेंड्स, ये पीले खजूर आजकल बहुत मिल रहे हैं और बहुत गुणकारी भी होते हैं, पर क्योंकि इन्हें खाने से कई बार हमें जीभ में छिल जाता है, हम बहुत मात्रा में इसे खा नहीं पाते हैं। तो आइए बनाते हैं इसका एक लाजवाब हलवा, जिसे खाकर कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये इन खजूर से बना हुआ है। तो इसके लिए हम इन्हें काट कर इनकी बीज निकाल लेंगे और एक मिक्सर पॉट में डालते जाएंगे। खजूर को हमें एकदम महीन पीस लेना है। देखिए, इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लें। खजूर का पेस्ट इसमें डाल दें और अच्छी तरह से घी में मिला लें। मैंने 1.5 कप खजूर का पेस्ट लिया है और इसे धीरे धीरे करीब 2 मिनट के लिए घी में भूनते जाना है। खजूर भून चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब और 1/2 कप दूध डाल दें और मिला दें अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट के लिए पका लें। 3 से 4 मिनट के बाद जब ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, हम इसमें 1/4 कप दूध पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें 2 छोटी चम्मच शक्कर डालें। अगर आपके खजूर बहुत मीठे हों तो आप शक्कर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा केसर गरम दूध में भिगाकर और इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर भी डालेंगे। इस मिश्रण को इस तरह से गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाना है। अब थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा हलवा एकदम तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बना है ये हलवा। इसे आप गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं या थोड़ा ठंडा होने पर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन